इस रेमेडी को वीक में सिर्फ एक बार यूज करने से ही आपके बाल सिल्की हो जाएंगे। आपको कोई ऑयल यूज़ नहीं करना, आपको कोई कंडीशनर यूज़ नहीं करना और ना ही आपको पार्लर जाना है। फ्रिजी हेयर बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज़ आज सही होने वाली है। बहुत टाइम से इस रेमेडी का यूज़ होता आया है। तो आपको लेना है 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच हनी, दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने हेयर के रूट्स में अच्छे से अप्लाई करना है और 2 घंटे तक के लिए छोड़ देना है। 2 घंटे बाद अपने बालों को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। इस रेमेडी के यूज़ करने से आपके बाल सिल्की स्मूथ और शाइनी तो होंगे ही, साथ ही साथ आपके बालों से डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व होगी और आपके बाल स्ट्रेट होने के साथ साथ आपके बालों की ग्रोथ भी होने लगेगी। तो ऐसे ही क्विक और इफेक्टिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रेमेडी का वीक में सिर्फ एक बार यूज करने से ही आपके बाल सिल्की स्मूथ शाइनी और ग्लॉसी तो होंगे ही, साथ ही साथ आपके बालों की हेयर की ग्रोथ भी होने लगेगी, वो भी नेचुरल तरीके से बिना किसी केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ किए हुए। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसे यूज करने से आपके बालों से डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व होती है। इस डीआईवाई होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है 4 चम्मच कर्ड यानी कि दही और 1 चम्मच हनी, दोनों को मिक्स करके एक मास्क बनाना है और इस मास्क को अपने बालों में अच्छे से अप्लाई करना है और 2 घंटे तक के लिए छोड़ देना है। 2 घंटे बाद अपने बालों को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। कर्ड आपके बालों को सिल्की स्मूथ और शाइनी तो बनाता ही है, साथ ही साथ आपके बालों की हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करता है और ये आपके बालों को बहुत ही डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सॉल्व करता है। ऐसे ही क्विक और इफेक्टिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या आप भी अपने बालों के हेयर की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से बिना किसी केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ किए हुए, तो इस डीआईवाई हेयर रेमेडी को यूज़ करने से आपके बालों के हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, साथ ही साथ आपके बाल सिल्की स्मूथ और शाइनी भी होने लगेंगे। इस डीआईवाई होम रेमेडी को बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच करी लिप्स का पाउडर, दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने बालों की हेयर के स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई करना है और 1 घंटे तक के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे बाद अपने बालों को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। एलोवेरा जेल आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाता है और करी लिप्स आपके बालों की हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करता है। ऐसे ही क्विक और इफेक्टिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या आप भी अपने बालों की हेयर की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से बिना किसी केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ किए हुए, तो इस डीआईवाई हेयर ऑयल को यूज़ करने से आपके बालों की हेयर की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगेगी, साथ ही साथ आपके बाल सिल्की स्मूथ शाइनी और ग्लॉसी भी हो जाएंगे और आपके स्कैल्प से डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस डीआईवाई होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है 1 कप कोकोनट ऑयल और 2 चम्मच करी लिप्स का पाउडर, दोनों को डबल बॉयलर मेथड से बॉयल करना है। फिर ऑयल को छान के अलग कर लेना है और इस ऑयल से अपने हेयर की स्कैल्प में अच्छे से मसाज करना है और 2 घंटे तक के लिए अपने बालों को ऐसे ही छोड़ देना है। 2 घंटे बाद अपने बालों को माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है। यह रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। करी लिप्स आपके बालों की हेयर की ग्रोथ को दोगुनी तेज़ी से बढ़ाने लगता है और कोकोनट ऑयल आपके बालों को सिल्की और शाइनी बनाता है। यह रेमेडी यूज करने से आपके बालों से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऐसे ही क्विक और इफेक्टिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या आप भी अपने बालों की हेयर की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से बिना कोई केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ किए हुए, तो इस डीआईवाई हेयर ऑयल का यूज़ करने से आपके बालों की हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, साथ ही साथ आपके बाल सिल्की स्मूथ और शाइनी भी हो जाएंगे और आपके बालों से डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और इसे बनाने भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है 1 कप कोकोनट ऑयल और 2 चम्मच एलोवेरा जेल, दोनों को डबल बॉयलर मेथड से बॉयल करना है। उसके बाद इस ऑयल को अपने हेयर की स्कैल्प पर अच्छे से अप्लाई करना है और 2 घंटे तक अपने बालों पे लगा रहने देना है। 2 घंटे बाद अपने बालों को माइल्ड शैम्पू से वॉश कर ले। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस डीआईवाई हेयर ऑयल को यूज़ करने से आपके बालों की हेयर की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होने लगती है। ऐसे ही क्विक और इफेक्टिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप भी अपने बालों की हेयर की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से बिना किसी केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ किए हुए, तो इस डीआईवाई होम रेमेडी को यूज़ करने से आपके बालों की हेयर की ग्रोथ तो स्टार्ट होगी, साथ ही साथ आपके बाल सिल्की स्मूथ और शाइनी भी होंगे। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और इस रेमेडी को बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इस डीआईवाई होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 विटामिन का कैप्सूल, दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने हेयर के स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई करना है और 2.5 घंटे तक के लिए लगा रहने देना है। 2.5 घंटे बाद अपने बालों को ठंडे पानी से वॉश
कर लेना है। ये रेमेडी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि इससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होने लगती है और आपके बाल सिल्की स्मूथ और शाइनी भी होते हैं और आपके बालों से डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व होती है। ऐसे ही क्विक और इफेक्टिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या आप भी अपने बालों की हेयर की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं वो भी नेचुरल तरीके से बिना किसी केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ किए हुए, तो इस DIY होम रेमेडी का यूज़ करने से आपके बालों की हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, साथ ही साथ आपके बाल सिल्की स्मूथ, शाइनी और ग्लॉसी भी हो जाएंगे। और इस रेमेडी का यूज़ करने से आपके बालों से डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है 4 चम्मच ऑलिव ऑयल और 2 चम्मच लेमन जूस। दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने हेयर के स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई करना है और 2 घंटे तक के लिए अपने बालों पे लगा रहने देना है। 2 घंटे बाद अपने बालों को माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ऑलिव ऑयल आपके बालों की हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करता है और लेमन जूस आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाता है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ऐसे ही क्विक और इफेक्टिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या आप भी अपनी हेयर की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं वो भी नेचुरल तरीके से बिना किसी केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ किए हुए, तो इस DIY होम रेमेडी का यूज़ करने से आपके बालों की हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, साथ ही साथ आपके बाल सिल्की स्मूथ, शाइनी और ग्लॉसी भी हो जाएंगे और आपके हेयर डैंड्रफ से भी फ्री हो जाएंगे। इस DIY होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है 1 पका हुआ केला। आपको इसका पेस्ट बना लेना है और इसमें 4 चम्मच आलमंड ऑयल की ऐड करनी है। दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने हेयर के स्कैल्प पे अच्छे से अप्लाई करना है और 1/2 घंटे तक के लिए अपने बालों पे लगा रहने देना है। 1/2 घंटे बाद अपने बालों को माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस रेमेडी का यूज़ करने से आपके बाल सिल्की स्मूथ और शाइनी होते हैं और आलमंड ऑयल आपके बालों की हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करता है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ऐसे ही क्विक और इफेक्टिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या आप भी अपने बालों की हेयर की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं वो भी नेचुरली बिना किसी केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ किए हुए, तो इस DIY होम रेमेडी का यूज़ करने से आपके बालों की हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, साथ ही साथ आपके बाल सिल्की स्मूथ, शाइनी और ग्लॉसी भी हो जाएंगे। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस रेमेडी को बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है 4 चम्मच कोकोनट मिल्क और 1 चम्मच हनी। दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने हेयर में अच्छे से अप्लाई करना है और 2 घंटे तक अपने बालों में लगा के छोड़ देना है। 2 घंटे बाद अपने बालों को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। इस रेमेडी का यूज़ करने से आपके बालों की ग्रोथ स्टार्ट तो होगी ही, साथ ही साथ आपके बाल सिल्की स्मूथ और शाइनी भी होंगे। कोकोनट मिल्क आपके बालों की हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करता है और आपके हेयर को सिल्की बनाता है। ऐसे ही क्विक और इफेक्टिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके भी बालों की हेयर की ग्रोथ रुक गई है और आप अपने हेयर की ग्रोथ को स्टार्ट करना चाहते हो वो भी नेचुरली बिना किसी केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ किए हुए, तो इस DIY हेयर मास्क को यूज़ करने से आपके बालों की हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, साथ ही साथ आपके बाल सिल्की स्मूथ, शाइनी भी होने लगेंगे और आपके बालों का टूटना तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। इस DIY होम रेमेडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इस DIY होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है 4 चम्मच कैस्टर ऑयल और 1 चम्मच हनी। दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने हेयर में अच्छे से अप्लाई करना है और 2 घंटे तक के लिए छोड़ देना है। 2 घंटे बाद अपने बालों को माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है। कैस्टर ऑयल आपके बालों को जड़ से मजबूत बनाता है और आपके बालों का टूटना तो बिल्कुल बंद करता है और आपके हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करता है। कैस्टर ऑयल आपके नई जड़ों को भी उगाने में हेल्प करता है और हनी आपके बालों को सिल्की स्मूथ और शाइनी बनाता है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ऐसे ही क्विक और इफेक्टिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या आप भी अपने बालों की हेयर की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं वो भी नेचुरल तरीके से बिना किसी केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ किए हुए, तो इस DIY होम रेमेडी का यूज़ करने से आपके बालों की हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, साथ ही साथ आपके बाल सिल्की स्मूथ, शाइनी भी हो जाएंगे। इस DIY होम रेमेडी को बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है और ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस DIY होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है 2 चम्मच पोटैटो जूस और 2 चम्मच लेमन जूस और आपको लेना है 4 चम्मच कोकोनट ऑयल। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अपने हेयर के स्कैल्प में अच्छे से मसाज करें और 2 घंटे तक के लिए अपने बालों पे लगा रहने दे। 2 घंटे बाद अपने बालों को ठंडे पानी से वॉश कर लें और फिर माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस रेमेडी का यूज़ करने से आपके बालों की हेयर की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगेगी, साथ ही साथ आपके बाल सिल्की स्मूथ और शाइनी भी होंगे। ऐसे ही क्विक और इफेक्टिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
क्या आपके बालों की भी हेयर की ग्रोथ रुक गई है और आप अपने बालों के हेयर की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हो वो भी नेचुरल तरीके से बिना किसी केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ किए हुए, तो इस डिवाई होम रेमेडी का यूज़ करने से आपके बालों की हेयर की ग्रोथ तो स्टार्ट होगी, साथ ही साथ आपके बाल सिल्की स्मूथ शाइनी और आपके बालों की डैंड्रफ की प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस डिवाई होम रेमेडी को बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है 2 चम्मच पोटैटो जूस और 2 चम्मच अनियन जूस और आपको लेना है 4 चम्मच कोकोनट ऑयल। इन सबको अच्छे से मिक्स करके अपने हेयर के स्कैल्प में अच्छे से मसाज करना है और 2 घंटे तक के लिए अपने बालों पे लगा रहने देना है। 2 घंटे बाद अपने बालों को माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस रेमेडी का पहली बार ही यूज़ करने से आपके बालों की ग्रोथ में फ़र्क दिखने लगेगा। ये रेमेडी का यूज़ करने अनियन जूस आपके बालों के हेयर की ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाता है और पोटैटो जूस आपके बालों में नई जड़ों को बनाता है। इस रेमेडी का यूज़ करने से आपके बालों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही क्विक और इफेक्टिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या आपके भी बालों की हेयर की ग्रोथ रुक गई है और आप अपने बालों की हेयर की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हो वो भी नेचुरल तरीके से बिना किसी केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ किए हुए, तो इस डिवाई होम रेमेडी को यूज़ करने से आपके बालों की हेयर की ग्रोथ तो वो स्टार्ट होगी, साथ ही साथ आपके बाल सिल्की स्मूथ और शाइनी भी हो जाएंगे। इस डिवाई होम रेमेडी को बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है और इसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इस डिवाई होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है 4 चम्मच हिना पाउडर यानी कि मेहंदी और 4 चम्मच कर्ड यानी कि दही, दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने हेयर पर अप्लाई करें और सूखने तक अपने बालों पर लगा रहने दे। सूखने के बाद अपने बालों को ठंडे पानी से वॉश कर लें। यह रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। कर्ड आपके बालों को सिल्की और शाइनी बनाता है और हिना पाउडर आपके बालों को सिल्की शाइनी तो बनाता ही है, साथ ही साथ आपके बालों की हेयर की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। यह रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ऐसे ही क्विक और इफेक्टिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या आप भी अपने बालों की हेयर की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं वो भी नेचुरल तरीके से बिना किसी केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ किए हुए, तो इस डिवाई होम रेमेडी का यूज़ करने से आपके बालों की हेयर की ग्रोथ तो स्टार्ट होगी, साथ ही साथ आपके बालों सिल्की स्मूथ और शाइनी भी होंगे और आपके स्कैल्प से डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी। इस डिवाई होम रेमेडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और इसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इस डिवाई होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है 2 चम्मच आंवला पाउडर और 4 चम्मच लेमन जूस, दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने हेयर के रूट्स में अच्छे से अप्लाई करना है और 1/2 घंटे तक के लिए अपने बालों पर लगा रहने देना है। 1/2 घंटे बाद अपने बालों को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। लेमन जूस आपके बालों की डैंड्रफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और आपके बालों को सिल्की स्मूथ और शाइनी बनाता है और आंवला पाउडर आपके बालों को लंबा करने में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। ऐसे ही क्विक और इफेक्टिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या आप भी अपने बालों की हेयर की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हो वो भी नेचुरल तरीके से बिना किसी केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ किए हुए, तो इस डिवाई होम रेमेडी को बना यूज़ करने से आपके बालों की हेयर की ग्रोथ तो स्टार्ट हो जाएगी, साथ ही साथ आपके बाल सिल्की स्मूथ और शाइनी भी हो जाएंगे। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और इसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है 1 चम्मच हनी और अपना फेवरेट शैम्पू। जब भी आप अपने बालों को वॉश करने जाएं तो अपने शैम्पू में 1 चम्मच हनी ऐड करके अच्छे से मिक्स पानी डाल के मिक्स करके इससे अपने बालों को वॉश करें। ऐसे करने से आपके बाल सिल्की स्मूथ और शाइनी भी होंगे और आपके बालों की हेयर की ग्रोथ भी बहुत ही तेज़ी से होने लगेगी। हनी आपके बालों को सॉफ्ट स्मूथ और सिल्की बनाता है और आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। ऐसे क्विक और इफेक्टिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या आपके भी बालों की हेयर की ग्रोथ रुक गई है और आप अपने बालों की हेयर की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हो वो भी नेचुरल तरीके से बिना किसी केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ किए हुए, तो इस डिवाई होम रेमेडी का यूज़ करने से आपके बालों की ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी, साथ ही साथ आपके बाल सिल्की स्मूथ और शाइनी भी होंगे। इस डिवाई होम रेमेडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और इस रेमेडी का इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इस डिवाई होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है 2 चम्मच जिंजर जूस और 2 चम्मच एलोवेरा जेल, दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने हेयर के स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करना है और 2 घंटे तक के लिए अपने बालों पर लगा रहने देना है। 2 घंटे बाद अपने बालों को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। जिंजर जूस आपके बालों के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और आपके बालों की हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करता है और एलोवेरा जेल आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाता है। यह रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस रेमेडी का यूज़ आपको वीक में 2 बार करना है। ऐसे ही क्विक और इफेक्टिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप भी अपने बालों की हेयर की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं वो भी नेचुरल तरीके से बिना किसी केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ किए हुए, तो इस डिवाई होम रेमेडी को यूज़ करने से आपके बालों की हेयर की ग्रोथ स्टार्ट होगी, साथ ही साथ आपके बाल सिल्की स्मूथ शाइनी और ग्लॉसी हो जाएंगे। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और इस रेमेडी को बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है 4 चम्मच कोकोनट ऑयल और 1 विटामिन ई का कैप्सूल, दोनों को मिक्स करके अपने हेयर के स्कैल्प में अच्छे से मसाज करें और 2 घंटे तक के लिए अपने बालों पर लगा रहने दें। 2 घंटे बाद अपने बालों को माइल्ड शैम्पू से
वॉश कर लें। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। कोकोनट ऑयल और विटामिन ई साथ में मिलकर आपके हेयर की ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाते हैं, साथ ही साथ आपके बालों को सिल्क स्मूथ और शाइनी बनाते हैं। ये रेमेडी अच्छे रिजल्ट के लिए इस रेमेडी का आप वीक में 2 बार ज़रूर यूज़ करें। ऐसे ही क्विक और इफेक्टिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या आप भी अपने बालों की हेयर की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हो, वो भी नेचुरल तरीके से बिना किसी केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ किए हुए? तो इस DIY होम रेमेडी का यूज़ करने से आपके बालों की हेयर की ग्रोथ तो स्टार्ट हो जाएगी, साथ ही साथ आपके बाल सिल्की स्मूथ और शाइनी भी हो जाएंगे। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस DIY होम रेमेडी को बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है 4 चम्मच एलोवेरा जेल और 2 चम्मच कैस्टर ऑयल। दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने हेयर के रूट्स में अच्छे से मसाज करना है, और 2 घंटे तक के लिए अपने बालों पर लगा रहने देना है। 2 घंटे बाद अपने बालों को ठंडे पानी से वॉश करना है, फिर बाद में माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। कैस्टर ऑयल आपकी बालों की हेयर की ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाता है, और एलोवेरा जेल आपके बालों को सिल्की स्मूथ और शाइनी बनाता है। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छे रिजल्ट के लिए इस रेमेडी का वीक में 2 बार यूज़ ज़रूर करें। ऐसे ही क्विक और इफेक्टिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को लाइक करने बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।